बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। दरअसल बात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पहले चरण में 5 अप्रैल से शुरू होगी होम वोटिंग। 13 अप्रैल तक पात्र वोटर्स के घर घर जाकर होम वोटिंग कराई जाएगी। पहली बार में पात्र वोटर्स नहीं मिले तो 15-16 अप्रैल को दल एक बार फिर से जाकर होम वोटिंग का प्रयास करेगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 14-21 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी, जबकि 22-23 अप्रैल को मिलेगा पहली बार अनुपस्थित रहने वालों को दूसरा मौका। पहले चरण में 85 साल से ज्यादा के 27,526 वोटर्स होंगे जो कि होम वोटिंग कर सकेंगे। इसी चरण में 9,308 दिव्यांग वोटर्स होम वोटिंग कर सकेंगे। कुल मिलाकर 36,834 वोटर्स हैं होम वोटिंग के पात्र। पहले चरण में 2 विधानसभा क्षेत्रों में 100 से कम होम वोटिंग के पात्र वोटर्स हैं, जबकि 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 500 से ज्यादा होम वोटिंग के पात्र मतदाता हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे अपने सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से। ऋतुराज जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, पहली बार ये पहल की गई थी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, उसका सक्सेस रेट कितना था, और अभी जो फिर से लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस होम वोटिंग को शुरू किया जाएगा, इसकी कवायद क्या रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा विस्तार से बताइएगा। विधानसभा चुनाव में जो कवायद की गई थी उसमें करीब करीब 99% तक मतदान हुआ था, होम वोटिंग का खासा फायदा मिला था। जो अनुपस्थित रहे थे उनके पास दोबारा भी टीमें गई थी और होम वोटिंग कराना सुनिश्चित किया था। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में इसको लागू किया तब 80 और 80 प्लस के जो भी सीनियर सिटीजन थे उनके लिए होम वोटिंग, और 40% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं उन वोटर्स के लिए होम वोटिंग के लिए किया गया था। उसके लिए जो फॉर्म भरना है और उसके साथ जो BLA को बताना पड़ता है और वो सारी कार्यवाही कर ली गई है। पहले चरण के लिए अगर बात करें तो करीब 36,834 वोटर्स हैं जो होम वोटिंग का फायदा ले सकेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अप्रैल से जो शुरू होगी होम वोटिंग और 13 अप्रैल तक घर घर टीमें जाएंगी, जो BLO हैं और अन्य जो दल हैं वो जाएंगे और होम वोटिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। एक निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके तहत यदि 13 तारीख तक पात्र मतदाता नहीं मिलता है तो 15 और 16 को फिर एक बार कोशिश की जाएगी कि वो पात्र मतदाता घर पर मिले और होम वोटिंग उसकी कराई जाना सुनिश्चित हो सके। इसी तरह से दूसरे चरण में 14-21 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी और पहली बार यदि नहीं मिलेगा पात्र मतदाता तो 22 और 23 अप्रैल को फिर चांस है कि दोबारा वो होम वोटिंग के लिए टीमें जा सकती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो पहले चरण में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 100 से भी कम मतदाता हैं जो होम वोटिंग के पात्र हैं, वहीं 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 500 से ज्यादा होम वोटिंग के पात्र मतदाता हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं जिसके कारण ये माना जा रहा है कि होम वोटिंग सक्सेसफुल होगी। इस बार 80 के बजाय 85 वर्ष और उससे ज्यादा के मतदाता होम वोटिंग का फायदा उठा सकेंगे। जो एक अमेंडमेंट भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया है वो ये है। चलिए ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए, आके भी अपडेट लेंगे।